आज हम सीखने वाले हैं कि मोबाइल से कंप्यूटर पे इंटरनेट कैसे ऑन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये यहाँ पे नेट दिख रहा है आपको, तो नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो हम अभी मोबाइल से नेट ऑन करके देखते हैं, तो हम मोबाइल की सेटिंग भी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोबाइल को जो चार्जर वाला सॉकेट रहता है वो लगाना पड़ता है, और यूएसबी जो रहता है वो सीपीयू को लगाना पड़ेगा आपको। तो हम देखेंगे कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो आप यहाँ से उसका नेट ऑन कर देना पहले डाटा, जैसे भी आप मोबाइल का नेट ऑन करते हैं। और सभी इसमें सेटिंग ऊपर भी रहती है, और हमें अगर दिखे ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सेटिंग दिख रही है आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, तो ये सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। मोबाइल की सेटिंग आपको सभी इसमें सेम दिखेगी। तो जैसे ये हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो ये वाला है, और जैसे आपको कंप्यूटर से शुरू करना है तो आपको यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन मोर में दिखेगा, और जैसे यूएसबी टेथरिंग दिख रहा है वैसे ये जो दिख रहा है ना ब्लूटूथ टेथरिंग, यूएसबी टेथरिंग, यहाँ पे आपको ये जब केबल लगा हुआ है तभी ऐसा जो ब्लैक कलर का है वो आ जाता है, और ये जो साइन दिख रहा है आपको इसको आपको ऑन कर देना है, ब्लू स्टिक वाला, ये ऑन हो जाएगा। ये भी आपका डिसेबल हो गया है, इसका मतलब होता है कि ये यूएसबी जो सॉकेट है ये वाला अच्छे से लगा नहीं है, तो आपको फिर से निकल के लगाना पड़ेगा। देखिए अभी ये हम इसको ऑन कर देते हैं, सॉरी, जैसे ये ऑन हो गए, ये ऑफ करना पड़ेगा, यूएसबी टेथरिंग जो है ये ऑन हो गए टेथर, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि कंप्यूटर की तरफ जाके कि कंप्यूटर का जो नेट है वो शुरू हुआ क्या। तो हमारे कंप्यूटर पे देख रहा है आपको सिंबल ये वाला, जैसे ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटरनेट एसेस, मतलब हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन हो गया। यहाँ पे आपको लिखा आएगा करंटली कनेक्टेड, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी कि हमारा नेट शुरू हुआ गया कंप्यूटर पे। देखिए ये कंप्यूटर का नेट शुरू हो गया। ऐसे आप कंप्यूटर पे नेट शुरू कर सकते हैं। और जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में इनबिल्ड वहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन होता है, तो आप वाईफाई की इससे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया तो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पे ऑन करना है तो आप यूएसबी से ऑन कर सकते हैं, या यूएसबी जो वायरलेस वाला आता है वो भी आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाला यूएसबी जैसे ही, हॉटस्पॉट से भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है हॉटस्पॉट्स वाला, तो आप यूएसबी टेथरिंग से भी आपके कंप्यूटर में नेट ऑन कर सकते हैं और अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।